वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। आज की स्टोरी लोवन और हान की है। फर्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि लोवन अपनी मॉम के कहने पर ब्लाइंड डेट पर आती है। लोवन को कुछ भी नहीं पता होता वो कौन है और कैसा है। तभी वहाँ गाड़ी खड़ी होती है जिसमें से हान बाहर निकलता है। लोवन अपनी फ्रेंड से फोन पर बात करते हुए पूछ रही थी ब्लू कोट व्हाइट शर्ट वाला, हाँ हाँ वो आ गया है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। लोवन ने अपने हाथ के इशारे से हान को अपने पास बुलाया और उसके पास बैठते ही कहने लगा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है इसलिए अपने मकसद की बात करते हैं, मुझे बेबी चाहिए। अगर आज रात साथ गुजारे तो अच्छा होगा, अगर मेरे घर चले जी ज्यादा बेहतर होगा। तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? लोविन तो हान का मुंह देखते ही रह गई और सोच रही थी कि ये लड़का क्या बक रहा है। तभी लोविन हान से कहती है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अमीर हो और कुछ भी बोलते जाओ। जिस पर हान बोला, नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, अगर तुम ज्यादा बच्चे पैदा करोगी तो मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा। अब यहाँ पर तो लोविन को गुस्सा आ गया। लोविन ने तो गुस्से से पानी का गिलास उसके मुंह पर फेंका और कहती है, पागल इंसान तुमने मुझे समझ क्या रखा है, जो मुंह में आ रहे हो तुम बोलते ही जा रहे हो। रुको तुम जरा, मैं तुम्हारी पिक्चर लेती हूँ और सबके सामने तुम्हें एक्सपोज करूंगी। तभी लोविन उसकी पिक्चर लेते हुए वहाँ से चली जाती है और हान तो बेचारा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। लोविन तो जाते जाते उसकी पिक्चर पोस्ट कर रही थी और पोस्ट के ऊपर लिख रही थी कि कोई भी लड़की इस लड़के को डेट मत करे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बुरा है और ये बहुत ही ज्यादा ओल्ड एज है, और कहती है वरना तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी अगर तुमने ऐसे इंसान को डेट किया। जब लोविन अपने घर पहुंची तो उसने वहाँ हान और उसके मैनेजर को अपने घर के बाहर देखा और सोचने लगी, इस लड़की की इतनी हिम्मत, दिन दहाड़े मेरे घर के बाहर ना पहुंचा, रुको जरा इसे मैं अभी देखती। दूसरी तरफ हान का मैनेजर हान से कहता है, उस लड़की ने आपके बारे में बहुत ही ज्यादा गलत लिखा है, मुझे लगता है उस लड़की ने आपको गलत समझ लिया है। ये सुनते ही लोविन के होश उड़ जाते हैं। इसी के साथ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हान अपने घर से निकलता हुआ अपने मैनेजर से कह रहा था, मुझे ही अपनी बिल्ली के लिए भी ब्लाइंड डेट पर जाना पड़ेगा। तभी लोविन वो सब बातें याद करती है तो पता चलता है वो अपने लिए नहीं अपनी बिल्ली की बात कर रहा होता है। तभी लोविन कहती है कि ये उसकी गलती है, उसने बिल्ली का वर्ड कहीं यूज ही नहीं किया। बट लोविन को पहले ही ईमेल के थ्रू बताया गया था पर लोविन ने वो ईमेल पढ़ा ही नहीं था। लोविन तो हान को अपना ही ब्लाइंडेड पार्टनर समझ रही थी। दूसरी तरफ हान का मैनेजर हान से कहता है, आप फिक्र नहीं करें, उस लड़की का नंबर मिल गया है और उसका घर भी यहीं कहीं है, मैं उसको कॉल करता हूँ। लोविन की तो टांगे ही कांप जाती हैं और कहती है कि मैंने बहुत बड़े आदमी से पंगा ले लिया। लोविन जल्दी से अपना फोन साइलेंट पर लगाने लगती है कि उसके हाथ से फोन गिर जाता है और कॉल की बेल आ जाती है। तभी लोविन के पीछे हान आ जाता है बेल सुनते ही। तभी हान कहने लगा, क्या इत्तफाक है? लोविन भी बोली, हाँ हाँ वाकई। ये कहते ही वो भाग गई और भागते भागते काफी दूर निकल आई। अगर हान भी उसी के पीछे वहाँ तक पहुँच गया, उसके आगे आकर गाड़ी खड़ी की और गाड़ी से बाहर निकला और उसकी तरफ आगे बढ़ा और कहने लगा कि अब बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या क्या कह रही थी। मगर लोविन तो जानती थी कि उसने बहुत ही गलत किया है हान के साथ। अब वो अपनी जान बचाने के लिए सबके सामने कहने लगी, जीजू मेरी सिस्टर आपका घर वेट कर रही है, आप जल्दी घर जाओ। तभी वहाँ काफी लोग जमा हो जाते हैं और उनको देखने लगते हैं और बातें करते हैं। देखने में तो ये ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ है मगर ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। तभी हान कहने लगता है कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारी सिस्टर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। तभी लोविन हान से कहती है कि मैंने तो तुम्हें गलती से बुरा इंसान समझ लिया था बट तुम तो वाकई ही एक बुरे इंसान हो। तभी लोविन जोर से उसके हाथ पर काटते हुए भाग जाती है। हान पीछे से कहने लगा, इसमें मेरी क्या गलती है, तुमने ही तो एक्टिंग स्टार्ट की थी। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लोविन अपनी फ्रेंड से बात करते हुए उसको बता रही थी कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी में मुझे अच्छी सी जॉब मिली है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, और पूछने लगती है कि उस अंकल ने तुम्हें दोबारा तंग तो नहीं किया। जिस पर लोविन कहती है, क्या यार मेरे लिए इतनी खुशी की बात है, तुमने दोबारा उसी का नाम ले लिया, अब उस बात को भूल भी जाओ। वेल
लोवेन फोन बंद कर देती है। फोन बंद करते ही वहाँ एक एम्प्लॉय कहने लगा कि चेयरमैन आने लगे हैं। तभी लोवेन भी वहाँ खड़ी होती है। तभी वहाँ कंपनी के चेयरमैन आ जाते हैं। कंपनी के चेयरमैन कोई और नहीं मिस्टर हान ही होते हैं, जो कि लोवेन के लिए तो बहुत ही बुरी खबर थी। लोवेन को यह देखते ही बहुत बड़ा झटका लगता है और सोच दिया कि अब मैं यहाँ पर कैसे काम करूँगी और आखिर कब तक उससे छुपती रहूँगी। अगले सीन में देखते हैं कि लोवेन लंच के लिए बाहर जाती है। वहाँ एक बेंच पर बैठती है। तभी वो जूस पीने लगती है कि एक ग्रैंडपा उसके पास आते हैं और उसका लिया हुआ खाना खाने लगते हैं। तभी लोवेन ग्रैंडपा से पूछने लगती है कि आप कहाँ रहते हैं, आपका कोई अता पता या कोई फोन नंबर मुझे दे जिस पर मैं कॉल करूँ, वो आपको आके ले जाए। जिस पर ग्रैंडपा ने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया, वो सिर्फ खाते ही रहे। फिर लोवेन कहती है कि मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो आते ही होगी, मुझे काम पर जाना है, मेरा काम भी बहुत जरूरी है। अब जब उसने लंच नहीं किया था तो उसे काफी भूख लगी होती है। तभी साथ बैठी लड़की कहती है मेरी तो भूख और प्यास दोनों ही मर गई है जब से मैंने हैंडसम से चेयरमैन को देखा है। तभी लोवेन हान को देखकर फिर से छुप जाती है और लड़की पूछती है कि तुम ऐसे क्यों छुप रही हो। तभी लोवेन बोलती है अगर अनजाने में तुमने बॉस को बुरा बोला होता यकीनन तुम भी इस वक्त छुप रही होती। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो एक क्लाइंट को देने होते हैं, वहाँ पर एक एम्प्लॉय देने जाने लगी थी। तभी लोवेन कहती है कि रुको मैं जाऊंगी वहाँ। असल में वो लोवेन हान से बचना चाहती थी कुछ टाइम के लिए। तभी लोवेन उस क्लाइंट को वो इम्पोर्टेंट फाइल दे देती है। तभी दोबारा वापिस जाते हुए उसकी नजर उसी ग्रैंडपा पर पड़ती है। तभी लोवेन दोबारा ग्रैंडपा के पास आती है और कहती है कि मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था मगर आप अभी भी यहीं हैं। जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने पुलिस के साथ नहीं जाना और कहते हैं कि मुझे शंकशान विलेज जाना है अपनी वाइफ से मिलने। ये बात सुनने के बाद लोवेन कहती है कि ठीक है मैं आपको वहाँ ले जाती हूँ, आप मेरे साथ बैठ जाए। अगले सीन में रास्ते में रुकते हुए लोवेन ग्रैंडपा से कहती है कि आपको प्यास लगी होगी, आप रुके यहीं पर, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। लोवेन पानी की बोतल लेते हुए पैसे पूछती है तो शॉपकीपर कहता है इतने पैसे। लोवेन कहती है इतने ज्यादा सिर्फ पानी की बोतल के, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तभी शॉपकीपर कहता है कि जरा पीछे तो देखो तुम्हारे ग्रैंडपा ने कितनी ज्यादा चीजें ली हैं। तभी ग्रैंडपा बच्चों की तरह जिद करते हुए कहते हैं अगर तुमने मुझे ये सब चीजें नहीं दिलाई तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मगर लोवेन के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, वो ग्रैंडपा को सभी चीजें ले देती है। तभी ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। जब लोवेन और ग्रैंडपा जाने लगते हैं तो ग्रैंडपा लोवेन को कैंडी का बॉक्स आगे करते हैं और कहते हैं कि तुम भी ले लो। तभी लोवेन बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसने अपने ग्रैंडपा नहीं देखे होते। उसके बाद लोवेन ग्रैंडपा को लेकर उस विलेज पर पहुंच जाती है। इससे पहले वो ग्रैंडपा को कुछ बोलती ग्रैंडपा पीछे से गायब हो गए थे। तभी वो सामने देखती है कि ग्रैंडपा एक ट्री के पास है जहाँ पर बैठे बातें कर रहे हैं और वो सब सामान रख रहे थे जो उन्होंने एक स्टोर से खरीदा था। तभी ग्रैंडपा कह रहे होते हैं ये देखो मैं सब तुम्हारी फेवरेट चीजें लेकर आया हूँ, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा हूँ। लोवेन तो देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रही थी कि ग्रैंडपा क्या कर रहे हैं। तभी वहाँ एक लड़का आकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है ये ओल्ड मैन फिर से यहाँ आ गया। लोवेन ने पूछा क्या तुम इनको जानते हो, वो कहता नहीं लेकिन इनको यहाँ बहुत बार देखा है, ऐसा सुना है कि इनकी वाइफ को यहाँ पर दफनाया गया है। तभी वो हर साल उनकी बर्थडे पर यहाँ आते हैं और वो लड़का वहाँ से चला जाता है। तभी लोवेन ये सब नज़ारा देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है ग्रैंडपा के लिए। अगले सीन में देखती है कि वो ग्रैंडपा को अपने साथ अपने घर लेकर आने का कह रही थी कि जब तक आपको कुछ याद नहीं आता तब तक आप मेरे साथ मेरे ही घर में रहो। लेकिन बुरी खबर ये थी कि लोवेन के घर पहुंचते ही उसकी घर मालकर ने उसका सारा सामान बाहर लाकर रख दिया और कहने लगी मैंने अपने घर को न्यू करवाना है इसलिए तुम कहीं और जाकर रह लो। लोवेन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि तुम मुझे अब बताओ मैं कहाँ रहूंगी। जिस पर ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो मेरा घर बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तुम मेरे साथ मेरे ही घर पर रहोगी।
इस बात को लोविन सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि चलो ग्रैंडपा को कुछ तो याद आया और कहती है कि चलो चलते हैं। अगले सीन में देखते हैं कि ग्रैंडपा ने जो रास्ता बताया था लोविन उनको लेके वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन वो घर इतना ज्यादा बड़ा होता है कि लोविन को शक होने लगता है और कहने लगती है वाकई ये आपका घर है, हम कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए। तभी ग्रैंडपा लोविन से कहते हैं कि मुझे इतना ज्यादा याद नहीं है। लोविन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है कि अब दोबारा पैसे देकर हमें वापस जाना पड़ेगा। तभी वहां पीछे से कोई आवाज देता है ग्रैंडपा, जो कोई और नहीं मिस्टर हान ही होते हैं। तभी लोविन फिर से छुपने लगती है और दिल ही दिल में सोचती है कि कितनी बुरी किस्मत है, फिर से इनका सामना करना पड़ रहा है। तभी हान अपने ग्रैंडपा से पूछने लगे आप कहाँ चले गए थे, मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था, शुक्र है आप सही सलामत वापस आ गए हैं। ये सुनते ही लोविन कहती है अच्छा ये आपके ग्रैंडपा है, आप इनका ख्याल रखें, अब मैं चलती हूँ। ग्रैंडपा लोविन का हाथ पकड़ते हुए कहने लगे तुम रुक जाओ, और हान से कहते हैं कि मैं अपनी बहू को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। ये बात सुनते ही लोविन और हान एक दूसरे का मुँह देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, पर हान को अपने ग्रैंडपा की बात माननी पड़ती है और वो लोविन को अपने साथ अपने घर में ले आते हैं। जबकि लोविन दिल ही दिल में सोच रही थी कि लगता है कि बॉस को कुछ भी याद नहीं है और इस बात का शुक्र कर रही होती है। अब वो मजे मजे से चेयर पर बैठते हुए पूछने लगी इस चेयर को यूज कैसे करते हो, जिस पर हान गुस्से से उसको अपनी तरफ मोड़ देते हैं और लोविन उसे बाय मिस्टेक किक कर देती है, जिस पर लोविन हान से कहती है कि सॉरी मुझे माफ करना, अनजाने मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। जिस पर हान उसकी चेयर को डाउन करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं ये उतना भी पेनफुल नहीं था जितना तुम्हारी बाइट ने मुझे हर्ट किया था। इस बात से पता चलता है कि हान को सब याद होता है। पढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हान विलोन को अपना घर दिखाता है जो काफी बड़ा होता है। विलोन घर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। अगली सुबह वो फ्रेश फ्लावर लेकर आती है, जब वो रखने लगती है हान बोला इससे दूर रहो ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। उसने कीमत पूछी तो वो सुनकर बहुत हैरान हो जाती है और रख देती है। उसके बाद कुछ बियर छेड़ने लगती है जिस पर हान कीमत बताने लगता है। तभी वो कहती है मैं खुद ही देख लूंगी इंटरनेट से। इंटरनेट पर प्राइस देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में उसकी मॉम की कॉल आती है जो बता रही होती है तुम्हारी कजन की एंगेजमेंट की खुशी में फैमिली डिनर होने वाला है जिसमें हम भी इन्वाइटेड है, इसलिए तुम भी यहाँ से आ जाना और अच्छे से तैयार होकर आना। इसके बाद हमें डिनर का सीन दिखाया जाता है। एक आंटी ने लोविन से सवाल किया तुम अभी तक सिंगल हो, तभी साथ वाली आंटी ने कहा इसकी तो शादी होने वाली थी मगर शादी वाले दिन ही दूल्हा भाग गया था। ये बातें लोविन और उसकी मॉम को बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील करवा रही थी। तभी उसकी मॉम कहती है ऐसा भी नहीं है, वो लड़का मेरी बेटी को डिजर्व ही नहीं करता था। तभी लोविन कहती है कि नहीं मेरे पास बहुत ही ज्यादा अच्छी जॉब है इसलिए मैं अपने करियर पर फोकस करना चाहती हूँ। अगले सीन में हां जब घर आया वाइन की बोतल इधर उधर बिखरी हुई तो देखा कि लोविन काफी ज्यादा ड्रंक हो चुकी थी। हान लोविन से कहता है कि तुमने इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों की है। तभी लोविन उसकी तरफ देखते हुए रोने लगी। साथ ही हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया गया, वही वाली आंटियां लोविन के पीछे बहुत बुरी बातें कर रही थी और कहती है कि शादी वाला दिन दूल्हा भाग गया और अभी तक सिंगल है, यकीनन इस लड़की में कोई खराबी है इसी वजह से अभी तक ये सिंगल है। ये सब बातें लोविन सुन लेती है। तभी लोविन रोते हुए हान को सब बता रही थी और कहती है कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई, क्या मुझ में कोई कमी है, और बताती है कि मेरी मॉम मेरी वजह से बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील कर रही थी, ये सब मेरी वजह से हुआ है, ये सब मेरी गलती है। हान को ये सब सुनकर उसके लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। लोविन की वाइन खत्म हो जाती है तो वो उसके लिए नई वाइन लेकर आता है और साथ खुद भी ड्रिंक करने लगता है। तभी वो दोनों वहाँ बैठे बातें ही कर रहे होते हैं। बातें करते करते लोविन हंसती है और हान बहुत ही ज्यादा खुश होता है और सोचता है चलो ये हंसी तो सही, दिल ही दिल में सोच रहा था कि ये काफी मासूम है। तभी लोविन की नजर उस वेस पर पड़ी जिसे उठाकर कहती है कि तुम मुझे छोड़ गए थे शादी वाले दिन और खुद भाग गए थे, तुम मुझे डिजर्व नहीं करते। तभी वो नीचे गिराने लगती है जिस पर हान कहता है पता है ना ये कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है, जिस पर लोविन कहती है कि इस टाइम ये मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है, जिस पर हान कहता है अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम गिरा दो इसे, तोड़ दो। लोविन उसे गिरा देती है और
और वो टूट जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली, जैसे ही वो बाहर आई तो देखा सारा सामान बिखरा था। तभी उसको सब देखकर याद आ जाता है। वो हान से कहने लगती है, बॉस क्या ये सब फेक था ना? तभी हान कहता है, इस घर में कोई भी चीज फेक नहीं है। लूविन सुनते ही उसके तो होश ही उड़ गए। तभी कहती है, बॉस क्या मुझे माफी मिल सकती है? जिस पर हान स्माइल करते हुए बोला, क्या तुम भूल गई हो कल रात तुमने क्या किया मेरे साथ? तभी फ्लैशबैक दिखाते हैं कि लूविन हर्ट होने वाली थी, जिस पर हान देखते ही उसे रोकता है। जब हान उसे रोकता है तो लूविन गिरने लगती है। हान उसे आगे होकर बचा लेता है। जैसे ही हान उसे पकड़ता है, लूविन कहती है, क्या मैं सच्चा प्यार डिजर्व नहीं करती? तभी हान बोला, तुम्हें ऐसा किसने कहा है? तुम तो बहुत अच्छा लड़का डिजर्व करती हो। ये सुनते ही वो हान को किस करने लगती है। अगले सीन में देखते हैं, हान घर आते हुए लूविन से कहता है कि अपना सामान पैक कर लो, और सोचने लगती है कि ये मुझे यहाँ से निकालना चाहता है। जिस पर हान बोला, मिस्टर ओवर थिंकर, अपना सामान पैक करो, मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पर जाना है। ये सुनकर लूविन को सुकून मिला। अगला सीन होटल का दिखाया जाता है। यहाँ पर बहुत ही छोटा सा रूम होता है, जिस पर लूविन कहती है, आप इतने ज्यादा अमीर होने के बाद इस छोटे से रूम में रहेंगे? जिस पर हान उसे कहता है कि हो हेलो, ये मेरा रूम नहीं, ये तुम्हारा रूम है। तभी हान को उसके मैनेजर की कॉल आती है कि सभी 5-स्टार होटल के रूम बुक हो चुके हैं, फिलहाल यहाँ पे इस टाइम कोई भी रूम खाली नहीं है, आपको आज की रात यहीं पर रहना पड़ेगा। जिस पर लूविन बहुत ही ज्यादा हंसती है। तभी हान कहता है, जाओ शावर लो। जिस पर लूविन कहती है, क्यों? हान बोलता है, मैं नहीं चाहता कि तुम काम करते हुए सो जाओ, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मुझे ये टाइम पर चाहिए। जिस पर लूविन कहती है कि आप फिक्र नहीं करें, मैं ये डॉक्यूमेंट्स पूरे टाइम पर पूरे कर दूंगी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लूविन काम करते करते सो जाती है, उसको नींद आ जाती है। तभी वहाँ पर हान भी आ जाता है। हान ये मोमेंट देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसको लूविन बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। तभी लूविन उठ जाती है और कहने लगती है कि सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला मेरी कब आंख लगी, मैं अभी फेस वॉश करके आती हूँ। हान कहता है, अब कोई बात नहीं, मैंने काम सारा खुद ही कर लिया है, इसलिए अब आप ये काम रहने दो, क्योंकि ये काम तो ऑलरेडी हो चुका है। अगली सुबह को हान को मीटिंग पर जाना है। मीटिंग पर जाते हुए रास्ते में हान की गाड़ी खराब हो जाती है, जिसपे मैनेजर उसे कहता है कि 1 घंटा लग जाएगा ठीक होने में, मगर हान के पास ज्यादा टाइम नहीं होता। लूविन बोली, अगर आपको टाइम पर जाना है तो बॉस आपको मेरी बात माननी होगी, जिस पर हान सर हिला देता है। अगले सीन में दोनों को एक स्कूटी पर देखते हैं, जिस पर हान कहता है कि लूविन जरा जल्दी चलाओ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे मीटिंग पर जाना है। इसके बाद मीटिंग का सीन दिखाया गया है, जिस पर लूविन बाहर वेट कर रही होती है हान का। थोड़ी देर में हान बाहर आता है, जिसकी स्माइल से पता चलता है कि मीटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी रही है। जिसके बाद हान लूविन को देखता है स्माइल करते हुए, और सोच रहा होता है कि इस लड़की में कुछ तो बात है। अगले सीन में देखते हैं कि हान लूविन को एक पैनकेक दिलवाने के लिए लेकर आता है और कहता है कि तुमने मुझे मीटिंग पर टाइम से पहुंचाया था, ये इसका इनाम है। लूविन ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। पैनकेक लेने के बाद वो जब दोनों वापिस आ रहे थे, तभी लूविन अपने फादर को देखती है जो अपने बच्चे के साथ खेल रहे होते हैं। तभी फ्लैशबैक दिखाया गया कि लूविन और उसके मॉम की डिवोर्स हो गई थी। डिवोर्स देने के बाद जब उसके डैड जाने लगे थे, तभी लूविन अपने डैड को रोकती है कि मत जाओ, जिस पर उसका डैड उसे छोड़कर चला जाता है। जिस पर लूविन और उसकी मॉम ने सारी लाइफ अकेले गुजारी थी। तभी लूविन हान से कहती है, मुझे हमेशा यही लगा कि मेरे डैड एक अच्छे फादर नहीं बन सकते, मगर आज पता चला वो अच्छे फादर तो जरूर है, मगर सिर्फ मेरे लिए नहीं। खैर पोस, आपको डिनर पार्टी पर स्पीच भी तो देनी है, इसलिए अब हम यहाँ से चलते हैं। हान तो लूविन की बातें सुनता रहा और दिल ही दिल में बुरा फील कर रहा था उसके लिए। अगले सीन में देखते हैं, हान लूविन को एक प्लेग्राउंड में ले आता है जो क्लोज हो चुका था। तभी लूविन बोली, हम तो कहीं और जाने वाले थे, आप यहाँ क्यों आ गए? तभी हान बोला, तुमने हॉर्स राइडिंग नहीं करनी क्या? और फिर एक चुटकी बजाता है और लाइट ऑन करवा देता है। लूविन ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और मजे मजे से हॉर्स राइडिंग करने लगती है। साथ ही साथ दिल में वो कह रही थी, कुछ बचपन के ऐसे भी जख्म होते हैं जो कभी भी भुलाए नहीं जा सकते, लेकिन हो सकता है कभी
कभी ना कभी जिंदगी आपको ऐसे शख्स से मिला देती है जिसके साथ हम अपनी पूरी मेमोरी को रीसेट कर सकते हैं। बढ़ते हैं इस सीरीज की थर्ड एपिसोड की तरफ। इस एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया गया पास्ट का, जब लोविन स्कूल में होती थी तब उसे एक लड़का प्रपोज करता है, तब लोविन बहुत ज्यादा खुश होती है। एक्चुअली में लोविन को स्कूल में सब अगली कहकर बुलाते थे। लोविन को लगा ये लड़का मुझसे प्यार करता है, बट जब लोविन वो लेटर खोलती है तो वो भी उसको चिढ़ा रहा होता है अपने दोस्त के कहने पर। बाद में वो दोनों उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो खुद को समझाती है कि भूल जाओ वो सब, तो एक पास था। हान के पास जाकर उससे लीव मांगती है। असल में उसने उन सब फ्रेंड्स से मिलने जाना था जो बचपन में उसका बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाते थे। अगले सीन में लोविन उन सब से मिलने आती है, तभी उसकी एक फ्रेंड ये सोचकर उसका मजाक उड़ाती है दिल ही दिल में कि पता नहीं ये फिर क्या पहन कर आ गई है। तभी लोविन अपना कोट उतारती है, सभी उसके एक्सपेंसिव क्लोथ देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी वो लड़की लोविन से कहने लगी कि तुम्हारा शादी वाला दिन ही दूल्हा भाग गया था, मुझे ये सुनकर तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा फील हुआ। वहाँ बैठे सब ये बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा बातें करने लगे जो कि लोविन को बहुत ही ज्यादा एम्बैरस फील करवा रही थी। तभी वहाँ वही क्लास फेलो अपने हस्बैंड के बारे में इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये बहुत ही ज्यादा रिच है और बहुत मुझसे प्यार करता है। इस तरह के हस्बैंड सिर्फ किस्मत वालों को मिलते हैं। भी साथ बैठी लड़की बोलती है फिर तो तुम्हारी काफी पहचान होगी, तुम भी किसी को लोविन से इंट्रोड्यूस करवा दो। तभी वह बोली हाँ हाँ ये देखो ये मेरा ड्राइवर है, इसके दो बच्चे हैं, डिवोर्स हो चुका है मगर बहुत ही ज्यादा होनेस्ट है। तभी साहब उसका बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी लोविन कहती है कि नहीं मुझे भी शादी नहीं करनी क्योंकि मैं अपने करियर पर फोकस करना चाहती हूँ। तभी सब फिर उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी उसे हान की कॉल आ जाती है। हान कहता है कि अचानक मुझे एक मीटिंग पर जाना है, तुम कब तक घर वापस आओगी। तभी कॉल पर लोविन की सारी बातें वो सुन लेता है। जो लड़की उसको कह रही होती है कि तुम शादी कब करोगी, तुम्हारी तो उम्र गुजर रही है, मुझे नहीं लगता तुमसे कोई शादी करेगा। तभी हान फोन पर ये सब सुनकर कॉल बंद कर देता है और अपने ड्राइवर से कहता है कि गाड़ी मोड़ो इसी वक्त। इधर वही लड़की लोविन से कह रही होती है लगता है तुम टैक्सी में आई होगी, या तो तुम्हारे पास टैक्सी के भी पैसे नहीं होंगे, ये देखो मेरा हस्बैंड मुझे गाड़ी में लेकर आया है ड्राइवर के साथ। तभी वहाँ हान आ जाता है जिस पर लेट होने पर वो सॉरी बोलता है सबसे और कहता है कि मैं लोविन का बॉयफ्रेंड हूँ। ये बात सुनते ही लोविन तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी सब वहाँ हान की कार की देखकर सोचते हैं कि लगता है कि हान काफी ज्यादा अमीर है क्योंकि इसके पास फरारी की चाबी है। तभी वो लड़की कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड निकला, एक दिन के लिए फरारी रेंट पर ले आया। अगर वाकई ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा अमीर है तो आज का खाना तुम्हारी बॉयफ्रेंड की तरफ से है। तभी हान कहता है कि हाँ ठीक है मगर हाफ बिल तुम्हारा हस्बैंड भी पे करेगा, जिस पर वो लड़की बोली हाँ हाँ ठीक है। तभी सब मजे मजे से खाना खाने लगते हैं कि जब बिल आया और उसका हस्बैंड बिल देकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया कि इतना ज्यादा एक्सपेंसिव खाना, जबकि हान तो बहुत ही आराम से अपना कार्ड देते हुए बोलता है कि हाफ बिल काट ले और बाकी का बिल वो देंगे। जिस पर उस लड़की का हस्बैंड उसे कहता है कि जल्दी से माफी मांग लो वरना मैं तुम्हें अपने साथ घर नहीं लेकर जाऊंगा। तभी वो माफी मांगती है लोविन से और कहती है कि मुझे माफ कर दो, तुम तो मेरी अच्छी दोस्त हो ना इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। जबकि हान कहता है कि ऐसी बातें कभी भी इग्नोर नहीं की जा सकती और लोविन का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से चला जाता है, जबकि उस लड़की का हस्बैंड सबके सामने उसे मारता है। बाहर आते हुए हान बोलता कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया, लोविन कहती हाँ कुछ ज्यादा ही हो गया। अगले सीन में देखते हैं कि फाइनली लोविन डिसाइड करती है कि मैं आज अपनी फीलिंग्स हान को शेयर कर दूंगी। तभी देखते हैं कि हान अपनी बचपन की दोस्त के साथ खड़ा होता है और उससे बातें कर रहा होता है। लोविन हान को उसके साथ देख कर कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगता। तभी हान की फ्रेंड लोविन को देख कर अपना इंट्रो करवाने लगती है। तभी कहती है कि ये चॉकलेट तुम हान के लिए लाई हो मगर ये जाया हो जाएंगे क्योंकि वो तो खाता ही नहीं और ना ही मैं चॉकलेट्स खाती हूँ। तभी लोविन कहती है नहीं नहीं ये तो मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। वेल नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लोविन को कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा होता हान की फ्रेंड का इसी घर में साथ रहना। तभी वो हान की फ्रेंड को देख के उसके पास जाती है और कहती है कि आपने बॉस की शर्ट पहनी है। ये बात बॉस को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि उनकी चीजों को कोई हाथ लगाए। फिर हान की फ्रेंड लोविन से बोली कि हम दोनों एक दूसरे से अपनी चीजें शेयर करते हैं इसलिए कोई मसला नहीं है, वो मुझे कुछ भी नहीं कहेगा। ये बात सुनकर लोविन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और सोचती है मुझे लगता है कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा करीब हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हान लोविन के पास आता है और कहता है कि आज रात अगर तुम फ्री हो तो हम फुटबॉल देखते हैं।
जिस पर लूविन कहती है कि नहीं, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हान वहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन में देखते हैं कि लूविन फुटबॉल के बारे में इंफॉर्मेशन ले रही होती है क्योंकि उसे फुटबॉल का ए भी नहीं पता होता। नेक्स्ट सीन हमें ये दिखाया जाता है कि लूविन और हान दोनों साथ बैठे फुटबॉल देख रहे होते हैं, मगर लूविन ऐसा शो करवा रही होती है जैसे उसको फुटबॉल के बारे में सब पता हो। मगर हान भी ये बात जानता था कि उसे फुटबॉल के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन हान को लूविन बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। तभी वहाँ हान की दोस्त आकर इनके बीच में बैठ जाती है। वो लूविन को फुटबॉल के बारे में बताने लगती है। जैसे ही हान पानी पीने के लिए जाता है, हान की दोस्त उसे डायरेक्टली बताती है कि तुम हमारे बीच नहीं आ सकती हो। तभी लूविन बोली कि नहीं, मेरा कोई ऐसा मकसद भी नहीं है। हान की दोस्त बोलती है कि मुझे पता है तुम उसे इम्प्रेस करने के लिए ये सब कर रही हो। तभी लूविन बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती, मगर जब तक मैं उसे अपनी फीलिंग्स ना बता दूं, मैं गिव अप भी नहीं करूंगी। बढ़ते हैं आज की फोर्थ एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया गया है कि लूविन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और कह रही थी क्या मैं फुटबॉल फैन नहीं बन सकती। तभी उसी के पास हान का मैनेजर आता है और कहता है ये देखो नेकलेस हान ने लिया है, मुझे लगता है ये आपके लिए लिया है, मुझे लगता है वो आपको अपनी फीलिंग शेयर करेंगे। तभी लूविन कहती है कि ये तुम मुझे क्यों बता रहे हो। तभी हान का मैनेजर कहता है अरे पागल, तुम्हारी ही तो बर्थडे आ रही है। तभी हान का मैसेज आता है जिसपे लिखा होता है कि आज रात का डिनर मेरे साथ करोगी, जिसपे लूविन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती। नेक्स्ट सीन हमें डिनर का दिखाया गया है जहाँ पर लूविन और हान एक साथ बैठे होते हैं। हान लूविन को बर्थडे गिफ्ट देता है जो कि फोन होता है, और लूविन सोचती है कि वो नेकलेस उसने किसके लिए लिया था अगर मेरे लिए नहीं था। तभी नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लूविन हान का वेट कर रही होती है क्योंकि काफी ज्यादा लेट हो गया था और हान घर वापस नहीं आया था। तभी लूविन के पास हान की फ्रेंड आती है। लूविन की सबसे पहले नजर नेकलेस पर जाती है जो कि उसने पहना होता है। तभी वो बताती है कि ये नेकलेस मुझे हान ने गिफ्ट किया था। तभी लूविन सोचती है कि क्या वाकई ही ये दोनों एक दूसरे के करीब हैं। तभी वो हान की फ्रेंड उसे कहती है कि तुम हमारे बीच आ रही हो, अब तुम्हें यकीन आ जाना चाहिए कि हम दोनों साथ हैं। तभी लूविन सोचती है कि हाँ वाकई ही मैं इनके बीच आ रही हूँ, अब मैं यहाँ से चली जाती हूँ। वो अपना सामान पैक करती है और वहाँ से चले जाती है। लूविन हान को बिना बताए चली जाती है। जब हान घर वापस आता है, टेबल पर चाबी देखता है लूविन के कमरे की। तभी वो अपनी फ्रेंड से पूछता है कि लूविन किधर गई है। तभी वो बड़े ही फ्री होकर बताती है कि लूविन तो चले गई है, अब हम इस घर में अकेले हैं, अब हम साथ रहेंगे। अभी हान को गुस्सा आ जाता है और वो अपना बाजू छुड़ाता है और कहता है कि तुमने ऐसा क्या किया है कि वो चली गई है, और बताता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूं, इसलिए तुम मेरी जान छोड़ दो, मैं सिर्फ लूविन को पसंद करता। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हान उसे डांट रहा होता है कि तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने हैं, आज के बाद मेरे कपड़ों को हाथ मत लगाना, ये लूविन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हमारे लिए, इसलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ। तभी वो उससे अपना कोट उतरवाता है और डस्टबिन में फेंक देता है और उसको वार्न करता है कि आज के बाद मेरी चीजों को हाथ मत लगाना। तभी हान उसे कहता है कि तुम एक गलत फैमिली में रह रही हो, मैंने तुम्हें सिर्फ यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स की दोस्ती है, अपने पेरेंट्स की दोस्ती की लाज के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पे रहने दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे सच जाओ। उसी फ्लैशबैक सीन में ये भी दिखाया जाता है कि वो हान से कहती है कि आ जाओ हम चलते हैं फुटबॉल मैच देखने, जिस पर हान कहता है कि फुटबॉल मैच लूविन को पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तभी वो इस बात से गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि तुम इसके लिए मेरे से ऐसे बिहेव करोगे, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें बचपन से प्यार करती हूं। तभी हान उसे कहते हैं मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूं, मैं सिर्फ लूविन को पसंद करता हूं, मैं उसी के साथ रहना चाहता हूं। तभी देखते हैं कि अगले सीन में हान उसे घर से बाहर निकाल देता है। तभी वो कहती है वो सिर्फ तुम्हारे पैसे की वजह से तुमसे प्यार करती है। तभी हान कहता है कि मुझे फखर है कि मैं अमीर हूँ, अब मैं और अमीर बनूंगा उसके लिए, और डोर बंद कर देता है। लूविन को कॉल करने लगता है मगर लूविन का फोन बंद होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लूविन अपनी दोस्त के साथ होती है। उसकी दोस्त उसे समझा रही होती है कोई बात नहीं, अगर वो किसी और को पसंद करता है मैं तुम्हारे लिए किसी और को ढूंढूंगी। तभी वो उसको आइसक्रीम देती है, ये लो तुम आइसक्रीम खाओ। तभी लूविन कहती है कि नहीं मेरे दांत में दर्द है, मैं नहीं खा सकती। तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जो पिक्चर क्लिक कर रहा होता है। लूविन को लगता है कि वो मेरी दोस्त की पिक्चर ले रहा है। तभी उसके पास जाती है, उसको पकड़ लेती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है कि मैं अपनी वाइफ की पिक्चर ले रहा हूं। तभी लूविन कहती है कि मेरी दोस्त तुम्हारी वाइफ कब से बन गई। तभी वो कहता है मैंने वाइफ नहीं मैंने बाइक बोला है, वो देखो मैं अपनी बाइक की पिक्चर ले रहा हूं। तभी लूविन उसका फोन चेक करती है और वाकई वो बाइक की पिक्चर ले रहा होता है। तभी लूविन अपने आप को बचाने के लिए उसके सामने ड्रामा करती है और कहती है वाह तुम्हारी बाइक कितनी ज्यादा प्यारी है। ये कहते ही वो अपनी दोस्त का हाथ पकड़ती है और वहां से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में लूविन डॉक्टर के पास जाती है, मगर बुरी खबर थी कि डॉक्टर कोई और नहीं वही बाइक वाला होता है। जब वो देखती है लूविन जाने लगती है, मगर नर्स उसे पीछे रोक देती है कि हिलो मत। लूविन को लगता है कि अब ये मुझसे बदला लेगा। ट्रीटमेंट के बाद लूविन उससे कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छे डॉक्टर हो। तभी वो कहता है कि तुमने ड्रिंक नहीं करनी। लूविन
लूविन उसकी बात मान लेती है कि ठीक है अब मैं ड्रिंक नहीं करूंगी। तभी डॉक्टर उसके हाथ में एक फेस स्माइलिंग लगा देता है और कहता है कि मैं उस बच्चों को ये देता हूँ जो बच्चे रोते रही है ट्रीटमेंट के दौरान। तभी लूविन कहती है मगर मैं बच्ची रही हूँ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं लूविन की फ्रेंड उसे ड्रिंक चैलेंज कर रही होती है। लूविन उसे बहुत ज्यादा मना करती है कि मुझे डॉक्टर ने मना किया है, मगर वो उसे चैलेंज करती है। तभी लूविन मान जाती है कि ठीक है चलो चैलेंज करते हैं। जब डॉक्टर ने मना किया हुआ था वो फिर भी ड्रिंक करने चले जाती है। बाहर से वापिस आते हुए लूविन की फ्रेंड उसे कहती है कि तुम मेरा यहाँ पे इंतजार करो, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और लूविन के पास आकर कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें लेने नहीं आया, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखूंगा। तभी वो लूविन के साथ बदतमीजी करने ही लगता है। सामने से बाइक वाला आ जाता है, बाइक वाला कोई और नहीं डॉक्टर ही होता है। तभी वो लूविन के पास आता है, वो लड़का डर के वहां से भाग जाता है। तभी वो डॉक्टर लूविन से कहता है कि तुम यहां पे क्या कर रही हो जबकि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हें ड्रिंक नहीं करनी। तभी देखते हैं कि वो लड़का अपने साथ और लड़कों को भी ले आता है। तभी डॉक्टर उसे कहता है कि ये हेलमेट पहनो, तुम यहां पे इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। तभी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा फाइट हो जाती है। तभी डॉक्टर सबको बहुत ही ज्यादा मारता है। तभी वो लूविन के पास वापस आता है और कहता है कि अब बताओ कि मैंने तुम्हें क्या क्या कहा था कि तुम्हें ड्रिंक नहीं करनी। तभी डॉक्टर लूविन से कहता है कि हो मैं तो भूल ही गया स्माइलिंग फेस लाना, चलो कोई बात नहीं, मगर तुम एक अच्छा बॉयफ्रेंड डिजर्व करती हो। तभी लूविन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, बॉयफ्रेंड कौन? तभी वो कहता है कि मैं। तभी वहाँ पीछे से हान उसे आवाज देता है कि लूविन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें सारा दिन ढूंढा, तुम कहाँ पर थी। तभी हान लूविन से पूछता है कि ये तुम्हारे साथ कौन है। तभी डॉक्टर उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है कि मैं लूविन का बॉयफ्रेंड हूँ। तभी हान वहाँ पर बहुत ही ज्यादा उदास होता है और फौरन बात बदल देता है, कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए ढूंढ रहा था कि कल एक डिनर पार्टी है जिस पर सारे एम्प्लॉय आ रहे हैं, तुम भी आ जाना टाइम से। तभी डॉक्टर भी बोलता है कि मैं भी आऊंगा, जिस पर हान कहता है कि ये तुम्हारी मर्जी है और वहां से चला जाता है। हान बहुत ही ज्यादा सैड होता है। तभी हान का मैनेजर कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे कर सकती है, जबकि लूविन भी आपके लिए फील करती थी, ऐसा कैसे एक दिन में बॉयफ्रेंड बना लिया उसने, ये बहुत ही गलत बात है। अगला सीन डिनर का दिखाया जाता है, वहां सब आए होते हैं। हान का मैनेजर हान से कहता है कि आप जाकर लूविन के पास बैठ जाए। तभी फौरन वो डॉक्टर लूविन पास आकर बैठ जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लूविन की ड्रिंक खत्म हो जाती है। तभी डॉक्टर उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आता हूँ। तभी वो जाने लगता है, हान का मैनेजर आगे पाँव करके उसे गिरा देता है। तभी हान वहाँ से बहाना करके उठता है कि मैं भी पानी पीने जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लूविन और डॉक्टर डिनर से वापिस आते हुए लूविन उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ जीएफ बनने की एक्टिंग की है, असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, असल में तुम्हारे लिए मैं कुछ भी फील नहीं करती हूँ, तुम मुझे पसंद करते हो इसलिए तुम्हारा शुक्रिया, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ हान को पसंद करती हूँ। तभी डॉक्टर वहाँ से जाते हुए कहता है कि सुनो हान भी तुम्हें पसंद करता है। तभी फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हान का मैनेजर हान से कहता है कि आपको सर्दी लग जाएगी, आप आगे ही ठीक नहीं है, आप घर चले जाएं। जिस पर हान बोलता है कि नहीं, लूविन भी तो सर्दी में बैठी है, मैं उसके लिए यहाँ पे बैठूंगा। ये बातें डॉक्टर सुन लेता है। दूसरा सीन में ये भी दिखाया जाता है कि जब वो वहाँ से पानी लेने के लिए जाता है वो ड्रिंक किसी को देता है और कहता है कि ये लूविन को दे देना क्योंकि उसके दांत में दर्द है तो इसलिए ये उसके लिए ठीक रहेगा, तुम ये ड्रिंक उसको दे देना। तभी ये सब डॉक्टर भी देख लेता है। तभी ये सब सुनने के बाद लूविन हान को कॉल करती है। तभी वो हान से गुस्से से कहती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो, मुझे जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना। तभी हान कहता है कि हाँ मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, जिस पर लूविन गुस्सा होने लग जाती है कि अगर तुम मुझे लाइक करते हो फिर तुम दूसरों को क्यों लाइक करते हो और तुम मुझे आज सारा दिन भी ढूंढने भी नहीं आए एक बार। तभी हान कहता है मैं किसी को भी लाइक नहीं करता, मैं सिर्फ तुम्हें ही लाइक करता हूँ, और कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढने भी आया था पर तुमने कहा तुम्हारा बीएफ है। तभी लूविन ने कहा अगर तुम्हें ये जानते थे कि वो मेरा बीएफ है तो तुमने मेरी डिनर पर इतनी केयर क्योंकि। तभी हान कहता है क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ इसलिए कि। यहाँ चलते चलते दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तभी लूविन उसे गुस्से से कहती है अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करते थे तो तुम क्या क्लियर नहीं कर सकते थे। तभी हान उसे आगे होकर किस करता है। तभी कहता है कि अब ठीक है मैंने क्लियर कर दिया। तभी लूविन भी उसे किस करने लगती है। चलिए बढ़ते हैं आज की फिफ्थ एपिसोड की तरफ जहां हमें दिखाया गया है लूविन और हान फाइनली दोनों रिलेशनशिप में आ चुके थे। लूविन हान को फाइल देने के लिए ऑफिस में आती है जबकि हान उसे रोक देता है उसका हाथ पकड़ कर और कहता है मत जाओ यही रुको। तभी ऑफिस की एम्प्लॉय ये लाती है जो इन दोनों को एक दूसरे के साथ देख लेती है। तभी लूविन टाई ठीक करने का बहाना करती है। तभी वहां से येला चली जाती है। हान लूविन से कहता है कि अब हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, ये बात हमें छुपानी नहीं चाहिए, अब हमें बता देना चाहिए
चाहिए। तभी लोविन कहती है कि नहीं, मैं ये सब अभी छुपाना चाहती हूँ, मैं किसी को भी ये बात बताना नहीं चाहती। असल में येला भी हान को पसंद करती होती है। दूसरा सीन में देखते हैं कि येला लोविन के पास जाती है और उसे बहुत सारा काम देती है और कहती है कि ये तुमने ओवर टाइम भी लगाकर इसे कंप्लीट करना है। लोविन को तो बहुत गुस्सा आता है मगर वो उसे कुछ भी नहीं कहती, वो चुप कर जाती है और खामोशी से अपना काम करने लग जाती है। दूसरी तरफ हान मीटिंग में होता है। हान मीटिंग के दौरान फोन पर मैसेज कर रहा होता है लोविन के साथ। अभी हान फोन गुस्से से वहाँ टेबल पर रख देता है जिससे सब वहाँ पर बातें करने लगते हैं। मीटिंग तो अच्छी जा रही थी मगर मिस्टर हान को क्या हुआ, इन्हें गुस्सा क्यों आ गया। असल में हान ने लोविन से कहा था कि आज रात दोनों डेट पर जाएंगे, जिस पर लोविन ने उसे मना कर दिया था कि आज मैं नहीं जा सकती, मुझे काम है, मैंने आज ओवर टाइम लगाना है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ आज नहीं जा सकती। इसी बात से हान का पूरा मूड खराब हो गया था। इसी तरह थोड़ी देर बाद लोविन के पास एक स्टाफ मेंबर आती है और कहती है कि बॉस ने कहा है कि आज कोई भी यहाँ पर ओवर टाइम नहीं करेगा, इसलिए आज सब जल्दी चले जाएंगे। इस बात से लोविन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है मगर येला का गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हान लोविन से कहता है अब तो मेरे साथ तुम डेट पर चलोगी ना। दूसरी तरफ लोविन भी खुशी खुशी उसके साथ डेट पर चली जाती है। दूसरी तरफ देखते हैं कि येला जानबूझकर लोविन के कपड़ों पर ड्रिंक गिरा देती है और उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगी, जो पैसे मैं तुम्हें ट्रांसफर करूंगी वो तुम्हारी इस ड्रेस से भी ज्यादा होंगे। लोविन तो उसे कुछ भी नहीं कहती और वहां से चली जाती है और अपना ड्रेस साफ करने लगती है। जब वो अपना ड्रेस साफ कर रही होती है तभी उसको हान की कॉल आती है। हान उसे कहता है मैं तुम्हारे लिए न्यू ड्रेस लेकर आया हूँ, तुम उसे पहन लो। जैसे ही लोविन वो ड्रेस पहनकर बाहर आती है सब उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। यहाँ फिर येला को गुस्सा आ जाता है और वहां से चली जाती है। असल में हान ने येला की ये सब बकवास सुन ली होती है जब वो लोविन से कह रही होती है, इसलिए हान उसके लिए न्यू ड्रेस ले आता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि हान का मैनेजर येला से कहता है अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग हो रही है, बॉस ने मना किया है किसी को भी अंदर आने के लिए, इसलिए तुम भी नहीं जा सकती और कोई भी अंदर ना जाए। तभी वहां से येला चली जाती है और येला लोविन के पास आती है और कहती है कि जाओ ये फाइल मीटिंग रूम में देख के, और बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल है। तभी लोविन भी फौरन से उठती है और फाइल देने के लिए जाने लगती है। तभी येला उसके कपड़ों में कुछ रख देती है। जैसे ही लोविन मीटिंग रूम में आती है तो वो हैरान हो जाती है, उसे पता ही नहीं होता कि अंदर मीटिंग हो रही थी। लोविन वो फाइल हान को पकड़ाती है, हान वो फाइल पकड़ लेता है। तभी लोविन वो फाइल देखकर वहां से वापस आने लगती है तो येला आ जाती है। येला उसे कहती है तुम्हें मैंने मना किया था, तुम फिर भी अंदर आ गई, तुम्हें मैंने बताया था कि अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। जिस पर लोविन कहती है तुमने मुझे खुद ही तो भेजा था कि ये फाइल अंदर देख के आओ, तुम अब अपनी बात से मुकर रही हो। तभी येला उसके कपड़ों में से वही रिकॉर्डिंग पिन निकालती है जो उसने रखी होती है और कहती है कि ये देखिए बॉस, ये हमारी कंपनी के सीक्रेट्स रिकॉर्ड करना चाहती है, आप इसे अभी यहां से निकाल दे, इसे फायर कर दे यहां से। हान तो पहले वो सब बैठकर सुन रहा होता है, तभी वो खड़ा होता है और कहते हैं हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा। वो येला के पास आता है और कहते हैं कि तुम अपना सामान पैक करो और यहाँ से चली जाओ, तुम फायर हो। तभी येला अपने अंकल की तरफ देखती है, तभी उसका अंकल खड़ा हो जाता है। असल में मीटिंग के दौरान हान ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था येला के अंकल के साथ। तभी येला का अंकल कहता है कि ये मीटिंग मुझे लगता है कैंसिल करनी पड़ेगी, जिस पर हान कहता है मीटिंग कैंसिल नहीं होगी, मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म करना चाहता हूँ। तभी हान वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देता है, जिस पर येला अंकल फौरन हान से माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर दे, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तभी येला कहती है कि तुम अब हमारे साथ ऐसा करोगी इस आम सी लड़की के लिए। तभी हान कहता है ये आम सी लड़की नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं ऐसा नहीं चाहता मेरी गर्लफ्रेंड के साथ कोई बदतमीजी करे, मैं ये भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी गर्लफ्रेंड को कोई बुली करे। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लोविन हान को अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलवाने के लिए ले आता है। उसकी बेस्ट फ्रेंड हान को बहुत ही अजीब नजरों से देख रही होती है। तभी वो उससे सवाल करती है क्या तुम लोविन से इतना ही प्यार करोगी जितना अभी करते हो अगर वो अगली हो जाए या बुढ़ी हो जाए। तभी हान कॉन्फिडेंस से जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल मैं उससे इसी तरह प्यार करूंगा जिस तरह अभी प्यार करता हूँ। लोविन ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लोविन अपनी बेस्ट फ्रेंड से कहती है क्या इतना काफी है या कुछ और भी पूछना है। तभी वो लोविन से कहती है तुम रुको सब्र रखो अभी देखती जाओ क्या क्या मैं पूछती हूँ। नेक्स्ट सीन में दोनों ही आपस में बहस कर रहे होते हैं कि रोमांटिक मूवी देखनी है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि नहीं हॉरर मूवी देखनी है। तभी दोनों लोविन से पूछते हैं कि आप तुम बताओ कौन सी मूवी देखनी है। तभी लोविन कहती है मुझे कुछ भी नहीं देखना, मुझे सिर्फ खाना खाना है। नेक्स्ट सीन हमें लंच का दिखाया जाता है जहाँ तीनों बैठे होते हैं। तभी लोविन की फ्रेंड हान से अभी भी सवाल कर रही होती है। हान उसे फुल कॉन्फिडेंस से जवाब दे रहा होता है। तभी हान लोविन को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है। लोविन की दोस्त ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वो लोविन से कहती है अच्छा मैं चलती हूँ और वहां से चली जाती है। लोविन उसके पीछे जाती है और पूछती है कि अचानक क्या हुआ कि तुम वहां से आ गई। तभी लोविन की दोस्त उससे कहती है बारखो हान तुम्हारे लिए एक परफेक्ट लड़का है, मुझे बस तुम्हारी फिक्र थी
कि हान भी तुम्हारे एक्स की तरह ना निकले, इसलिए मैंने उससे बहुत सारे सवाल किए जिसने उसने पास कर लिया। तभी लूविन अपने दोस्त से कहती है कि तुम मेरी बहुत ही ज्यादा अच्छी दोस्त हो, इसलिए मुझे भी तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है, लूविन के एक्स ने लूविन की सारी सैलरी ले ली थी, लूविन को पैसे की जरूरत थी। जब लूविन ने उससे पैसे मांगे तो वो उसको बातें सुनाकर वहां से चला जाता है। तभी वहां उसकी दोस्त आती है और उसे पैसे देती है, उसकी हेल्प करती है। फिर नेक्स्ट फ्लैशबैक सीन में ये भी दिखाया जाता है, जब लूविन हॉस्पिटल में होती है तभी वो अपने एक्स को कॉल करती है कि तुम यहाँ आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तभी वो नहीं आता और फोन बंद कर देता है। तभी लूविन की फ्रेंड वहां आ जाती है। नेक्स्ट सीन में ये भी दिखाया जाता है, लूविन और उसकी फ्रेंड जब वापस आ रहे होते हैं तभी लूविन का एक्स किसी और लड़की के साथ देखा जाता है। तभी लूविन की फ्रेंड उसके एक्स को बहुत ही ज्यादा मारती है और उसे बातें सुनाती है। लूविन रो रही होती है तभी उसकी फ्रेंड उससे हौसला देती है कि तुम अच्छा इंसान डिजर्व करती हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था। प्रेजेंट सीन में देखते हैं कि लूविन की फ्रेंड उसे कहती है कि अब मैं चलती हूँ, तुम्हारे लिए बेस्ट विशेज है, मेरा घर यहाँ से काफी दूर है इसलिए मुझे जाना चाहिए। मेरा घर दूर होने की वजह से मैं तुमसे रोज रोज तो नहीं मिल सकती मगर फिर कभी जरूर आऊंगी। तभी वहां पर हान आ जाता है और कहता है कि मैंने लूविन के लिए न्यू घर लिया है, अपने घर के साथ वाला घर। अब लूविन की मर्जी है, वो जिसे चाहे वहां पर रख सकती है। तभी लूविन और उसकी दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि अब हम दोनों साथ रहेंगे और ये भी कहती है कि अब हम दोनों नेबर्स होंगे। तभी वो सब ये बातें करते हुए बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। हान उन दोनों को देखकर वो भी खूब खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हान लूविन को अपने पेरेंट्स के घर लेकर आता है, वहां पर उसके काफी ज्यादा मेहमान भी आए होते हैं। तभी वो हान वहां पर लूविन का इंट्रोडक्शन करवाता है सबके सामने। तभी हान और लूविन वहां सबके सामने बैठे होते हैं, हान को इम्पोर्टेंट कॉल आती है, तभी दोनों वहां से जाने लगते हैं। हान की आंटी कहती है कि लूविन को यहीं रहने दो, हम कुछ बातें कर लेंगे। लूविन वहां पर रुक जाती है, तभी वो आंटी उसे बहुत ही अजीब अजीब सवाल करती है और कहती है कि तुमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। तभी लूविन कहती है कि हान जॉब से सीधा मुझे यहाँ ले आया, इसलिए मुझे चेंज करने का मौका नहीं मिला। तभी वो कहती है कि तुम जॉब छोड़ दो और घर के काम सीखो। अभी हान की मदर बोलती है कि कोई बात नहीं, हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, चलो ये बातें छोड़ो, अब हमें लंच करना चाहिए। तभी हमें लंच का सीन दिखाया जाता है, वही आंटी फिर लूविन से कहती है कि तुमने अपने पेरेंट्स के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया। जिस पर लूविन कहती है कि बचपन में ही मेरे मॉम और डैड का डिवोर्स हो गया था, मेरी मॉम ने अकेले ही मेरी परवरिश की है। तभी वो आंटी हान के पेरेंट्स से कहती है अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं इसे अपनी बहू कभी भी नहीं बनाती क्योंकि इसकी परवरिश अच्छी नहीं हुई, दोनों पेरेंट्स मिलकर ही एक बच्चे की अच्छी परवरिश कर सकते हैं। तभी लूविन को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो चॉपस्टिक फेंकती है और कहती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम के बारे में इतना गलत कहने की, आप कैसे मेरी मॉम की परवरिश पर उंगली उठा सकते हैं। तभी वो आंटी कहती है कि मुझे पता ही था तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है, बड़ों से कैसे बात करते हैं, तुम्हारी परवरिश ही ऐसे हुई है। तभी वहां हान आ जाता है, हान से कहती है वो आंटी कि ये इस लड़की में जरा भी मैनर्स नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं, तुम फैमिली में किसी लड़की से शादी कर लो मगर इससे शादी मत करो। तभी हान कहता है कि मुझे माफ कर दे मगर आपके को दोनों का प्यार मिला है फिर भी वो बहुत ही ज्यादा आवारा है और बदतमीज है। लूविन कैसी है मैं अच्छे से जानता हूँ, मैं उसके खिलाफ एक भी लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। यहाँ हान के पेरेंट्स भी उस आंटी से अपने रिश्ता नाता तोड़ देते हैं और उसे जाने के लिए कह देते हैं। बढ़ते हैं इस सीरीज की लास्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है लूविन अपने लिए ड्रेस सिलेक्ट कर रही होती है ऑनलाइन। तभी वो हान से पूछती है कि मैं अपनी कजन की शादी पर जाने वाली हूँ, तुम मुझे बताओ मैं कौन सी ड्रेस सिलेक्ट करूँ। तभी हान कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर इतनी दूर जा रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तभी लूविन कहती है कि मैं इतने ज्यादा दिन के लिए बिल्कुल भी नहीं जा रही, कुछ दिनों की तो बात है, मैंने वापिस आ जाना और कहती है कि तुम भी तो अपने काम में बिजी होते हो, तुम फिक्र मत करो मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। तभी हान भी खुश हो जाता है। अगले सीन में देखते हैं लूविन को अपने कजन के पास, जहां वो अपनी कजन से कह रही होती है कि तुम इतनी दूर आकर शादी कर रही हो वो भी अनजान लड़के से, क्या ये परेशानी वाली बात नहीं है। तभी उसकी कजन कहती है कि मेरी काफी ज्यादा एज गुजर चुकी है, अब मुझे शादी कर ही लेनी चाहिए, इसलिए मुझसे कोई भी शादी करने के लिए राजी नहीं है, एक ही लड़का जो मुझसे शादी करना चाहता है, तो इसलिए मैं अब हर हाल में शादी करना चाहती हूँ। और उसकी कजन कहती है तुम्हारे ब्रदर इन लॉ के कुछ फ्रेंड्स भी इनवाइटेड हैं इस शादी पर, इसलिए तुम फिक्र मत करो क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे ब्रदर इन लॉ इतने भी बुरे इंसान नहीं है। थोड़ी देर बाद जब वो ब्राइड बाहर आती है तभी सब उसके ऊपर स्प्रे करते हैं और कहते हैं कि हैप्पी वेडिंग डे। तभी लूविन उनको बहुत ही ज्यादा डांटती है और कहती है कि तुम सब ये क्या कर रहे हो। तभी वो लड़की कहते हैं कि हम तो अपने दोस्त को विश कर रहे हैं उसकी शादी का दिन। अगले सीन में देखा जाता है कि सब दोस्त ब्राइड को ड्रिंक करने के लिए कह रहे होते हैं। तभी लूविन कहती है ये कैसी
सी अजीब सी शर्त है जो तुम लोग लगा रहे हो। तभी वो ब्रदर इन लॉ से कहती है, आप यहाँ पर खड़े देख रहे हैं, आप कुछ क्यों नहीं कह रहे। तभी ब्रदर इन लॉ कहते हैं, इसमें क्या बुराई है, मेरे दोस्तों ने सिर्फ ड्रिंक का ही तो कहा है। ये सुनकर ब्राइड भी ड्रिंक करने लग जाती है, मगर लूविन उसे रोक देती है और कहती है कि तुम्हारी जगह पर ये ड्रिंक मैं पीऊंगी। अगले सीन में लूविन की कजन लूविन से कह रही होती है कि तुमने इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों की थी, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मगर लूविन को अपनी कजन की ही बस फिक्र होती है, उसे कह रही होती है कि ब्रदर इन लॉ ने तुम्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, अब तुम उसके साथ अभी भी शादी करोगी, मुझे नहीं लगता कि सारी जिंदगी वो तुम्हारा साथ देंगे जो अभी भी साथ नहीं दे सके। तभी उसकी कजन कहती है कि मुझसे कोई भी शादी करने के लिए राजी नहीं है, इसलिए मैं अब हर हाल में शादी करना चाहती हूँ, मैं बूढ़ी हो रही हूँ। तभी वहाँ पर ये सब बातें हो ही रही होती है कि वो लड़के दोबारा आ जाते हैं, उन्होंने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक की हुई थी और आते ही ब्राइड को टच करने लगे। तभी यहाँ पर लूविन उनके सामने आके खड़ी हो जाती है और कहती है, खबरदार अगर मेरी कजन को हाथ भी लगाया। वहाँ पर एक लड़का आगे होकर कहता है कि ठीक है, हम ब्राइड को तो टच नहीं कर सकते मगर तुम्हें तो टच कर सकते हैं। इससे पहले वो लूविन को टच करता, वहाँ पर हान आ जाता है, हान उसे धक्का देता है और कहता है कि अगर तुमने लूविन को टच भी किया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़कर कुत्तों को खिला दूंगा। तभी हाँ ग्रूम से ये भी कहता है कि तुम मर्द के नाम पर दबा हो जो अपनी बीवी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तभी ग्रूम बोलता है कि तुम कौन होते हो हमारे बीच में रहकर बोलने वाले, अगर मेरी बीवी को कोई मसला नहीं है तो तुम्हें क्यों मसला है। तभी ब्राइड बोलती है कि तुम्हें किसने कहा कि मुझे यहाँ पर कोई मसला नहीं, थैंक गॉड अभी हमारी शादी कम्प्लीट नहीं हुई थी, अब मुझे तुमसे शादी बिल्कुल भी नहीं करनी है। तभी ग्रूम कहता है कि शुक्र करो मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, वरना तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा। तभी लूविन को फिर से गुस्सा आ जाता है, लूविन गुस्से से बोलने लगती है और हान उसे रोकता है और कहता है कि मैंने तुम दोनों की टिकट वापस की करवा दी है। तभी तीनों उसे इग्नोर करते हुए वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में लूविन की तबीयत खराब हो जाती है, हान उसे डांटने लगता है कि तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया है कि रात को इतना मत खाया करो, फिर भी तुम बस नहीं आती, और रुको मैं अभी 2 मिनट में आता हूं, मैं बाहर जा रहा हूं। तभी हान बाहर चला जाता है, वहां पे लूविन का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और कहने लगता है मेरे बाद तुम्हारी लाइफ ऐसी गुजर रही है, ये तुम्हें बात बात पर डांट देता है। लूविन भी ये बात सुनकर सोचने लग जाती है कि हान मुझे हर बात पर आसानी से डांट देता है, मगर कभी भी उसने ये नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करता है या नहीं। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है, लूविन ने अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं किए थे जिस पर हान उसे डांटता है कि इसे कंप्लीट करो। आफ्टर दैट लूविन टैक्सी बुक कर रही होती है जो कि कोई भी अवेलेबल नहीं होती, जिस पर हान फिर उसे डांटता है और कहता है कि तुम जल्दी उठा करो, आज फिर तुम लेट हो गई हो। प्रेजेंट में उसका बॉयफ्रेंड उसे कह रहा होता है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, तुम उसे छोड़ दो। तभी लूविन उससे अपना हाथ छुड़वाती है और कहती है कि मैं उसके साथ ही रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, वो तुमसे काफी ज्यादा अच्छा है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है, वो मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। तभी फ्लैशबैक फिर दिखाया जाता है, लूविन डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करते करते उसे नींद आ जाती है, वो सो जाती है। तभी हान उसे चादर देता है और उसे कहता है कि चलो कोई बात नहीं तुम सो जाओ, मैं तुम्हारा काम कंप्लीट कर देता हूँ। तभी हान वो सारे डॉक्यूमेंट्स खुद कंप्लीट करता है। और दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाता है कि लूविन रोज ऑफिस से लेट हो जाती थी, हान ने उसे ऑफिस के पास ही एक घर खरीद दिया था ताकि उसकी नींद भी पूरी हो जाए और वो ऑफिस भी खुद चलकर आ जाए। लूविन का एक्स बॉयफ्रेंड ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है कोई भी लड़का इतना परफेक्ट नहीं होता, ये ऐसे कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पर हान आ जाता है, हान के साथ बहुत ज्यादा डॉक्टर होते हैं जो बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, डॉक्टर इसलिए लेकर आता है ताकि मेरी गर्लफ्रेंड का अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके। तभी वहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी ये सब देख रहा होता है। हान लूविन के पास आकर बैठता है, हान लूविन से पूछता है ये कौन है, क्या तुम इसे जानती हो। तभी लूविन कहती है कि नहीं मैं इसे नहीं जानती। तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ से चला जाता है, हान लूविन को सूप पिलाने लग जाता है। लूविन को रियलाइज हो जाता है कि हान मुझे बताए या ना बताए मगर वो मुझसे प्यार करता है क्योंकि उसकी हर एक्शन इस बात का सबूत है। सीन में हम देखते हैं कि लूविन का फादर आज इतने सालों बाद लूविन से मिलने आता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मगर लूविन भी उनसे अच्छे से बात नहीं करती, इवन कि उन्हें यहाँ से भेजने के लिए भी पुलिस को बुलाना पड़ता है। जाते हुए उसके डैड से एक चिट्ठी गिर जाती है, लूविन वो चिट्ठी उठाती है और देखती है कि उसके डैड को कैंसर है। नेक्स्ट सीन में उसका डैड फिर उससे मिलने आता है और उससे माफी मांगता है और उसके लिए कॉफी भी लेकर आता है। लूविन फिर इग्नोर करते हुए जाने लगती है, उसका डैड कहता है क्या प्लीज तुम मुझे माफ नहीं कर सकती हो। तभी लूविन वहाँ पर रुक जाती है, तभी डैड उसका फिर उदास होकर वापिस जाने लगता है। तभी लूविन देखती है कि उनके हाथ में वही चोट होती है जो बचपन में उसे बचाते हुए लग जाती है। उसी टाइम लूविन का दिल अपने डैड के लिए काफी ज्यादा बदल चुका था, तभी वो अपने डैड को रोक लेती है और वहाँ पर बैठे अपने डैड के साथ बातें करने लगती है। उसका डैड कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपना इलाज कर सकूं, मैं मरने वाला हूँ, इसलिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारी मॉम के साथ भी बहुत ज्यादा गलत किया, मुझे अब रियलाइज हो गया है, मुझे माफ कर दो। अगले ही सीन में लूविन घर जाके इस बारे में रिसर्च करने लग जाती है कि इस इलाज के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे। तभी वो सबको कॉल करती है, जहाँ जहाँ पर उसके पैसे बनते थे वो अपने पैसे वहाँ से मंगवा लेती है। हान उसे अंधा इंटरेस्ट करने के लिए उसे मना कर रहा होता है, उसे कहता है एक बार अच्छे से जांच कर लो। तभी लूविन हान से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मेरा डैड तुम्हारे घर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तभी हान कहता है कि तुम
मेरी बात को बहुत ही ज्यादा गलत ले गई हो। लुविन अपने डैड को पैसे ट्रांसफर कर चुकी थी। यही सीन में लुविन अपने फादर से मिलने जाती है तो पता चलता है उनका फादर यहाँ से चला गया है। तभी उसको न्यू घर का भी एड्रेस मिल जाता है। उस एड्रेस को फॉलो करते करते वो वहाँ पर पहुँच जाती है तो देखती है कि उनका फादर अपनी न्यू फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है। तभी उसका फादर अपनी वाइफ को बता रहा होता है कि तुमने देखा मैंने हल्की सी एक्टिंग किया की लुविन ने मेरे बैंक में 3 मिलियन ट्रांसफर कर दिए। चलो बेटी पैदा करने का कुछ तो फायदा हुआ। तभी लुविन ये सब कुछ वहाँ पर सुन रही होती है और वो बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाती है। तभी फौरन अपने डैड के पास आकर उनसे कार्ड पकड़ लेती है। लुविन कहती है कि आज आपने मुझे दूसरी दफा छोड़ दिया है और ऊपर रिंग गिराती है और कहती है कि आप जैसा इंसान कभी भी बदल नहीं सकता। नेक्स्ट सीन में लुविन अकेले बैठी रो रही होती है। तभी हान उसे वहाँ पर ढूंढते ढूंढते आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें सब पता चल गया है। लुविन हान से कहती है कि अगर तुम सब जानते तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। हान कहता है कि मैं तुम्हें फिर से टूटा हुआ नहीं दे सकता था। लुविन बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। हान उसे रिंग के साथ प्रपोज करता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। लुविन भी रोते हुए उसे हाँ कर देती है। हान उसे रिंग पहनाता है और उसे हग कर लेता है। इस सीन में 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों फ्रेंड्स आपस में खड़ी बातें कर रही होती है। लुविन कहती है कि बच्चे बहुत ही ज्यादा क्यूट होते हैं, मैं और हान दूसरे बच्चे को जन्म देने के लिए सोच रहे हैं। तभी उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो, माना के बच्चे बहुत ही ज्यादा क्यूट होते हैं मगर इसकी सारी जिम्मेदारियां एक माँ पर होती है। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लुविन सो रही होती है और हान अपने बेबी को संभाल रहा होता है और एक दिन में उसकी फ्रेंड कहती है कि बच्चों के लिए हम इतना कुछ करते हैं मगर फिर भी उनके हीरो उनके डैडी होते हैं। तभी लुविन कहती है कि नहीं, मेरी बेटी को मैं पसंद हूँ, क्योंकि हान उसे हेल्दी फूड देता है खाने के लिए मगर उसे स्नैक्स पसंद है और मैं उसे छुप छुप कर खाने को देती हूँ, इसलिए मैं उसकी फेवरेट हूँ। और वो अक्सर हान से भी यही कहती है कि मुझे मम्मी ज्यादा पसंद है। तभी वहाँ उसकी फ्रेंड का बच्चा गिर जाता है मगर उसका हस्बैंड अभी भी मोबाइल में गेम खेल रहा होता है, उसे बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती। तभी वहाँ हान को दिखाया जाता है जो अच्छे डैडी की तरह अपनी जिम्मेदारियों को संभाल रहा होता है। यकीनन ये काफी ज्यादा क्यूट है। खैर हमें यहाँ पर पता चलता है कि 4 साल गुजरने के